Hello children, welcome to my channel Online Study Hub. Today in this video we are going to solve some of chapter 1st of class 3rd math book, which is where to look from. It is third part of this chapter. We start here tit for tat. One more thing, बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप इसी तरह से आसानी से सम को सॉल्व करना सीख सकें। और एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट टिट फॉर टैट। वन डे अमीना मेट ए पेंटर। एक दिन अमीना एक पेंटर से मिली। यहाँ पर देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, ये है अमीना एंड ही इज अ पेंटर और ये है एक पेंटर। अमीना जो है वो इस पेंटर से मिलती है और ये कहती है, अमीना कहती है इससे, कैन यू मेक माई पिक्चर, क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हैं। इस पर पेंटर कहता है, यह श्योर, आई चार्ज रुपीज 200 फॉर इट, और इसके लिए मैं जो है 200 रुपए चार्ज लूंगा। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। कुछ देर के बाद पेंटर ने उसे उसकी जो है पिक्चर दिखाई। यहाँ पर देखिए, आप भी सभी बच्चे देखिए, इस तरह से इसने ये पिक्चर जो है वो दिखाई। अमीना हाउ डू यू लाइक इट, और इसने कहा, अमीना तुम्हें कैसी लगी। यहाँ पर देखो, आपको कैसी लगी बच्चों, पूरी है नहीं ना, ये हाफ बना रखी है इसने, है ना, हाफ अमीना की फोटो है ये। अब अमीना कहती है इस पर, बट दिस इज ओनली हाफ, लेकिन ये तो केवल हाफ है, ये तो केवल आधी है। अब ये पेंटर कहता है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, दूसरी जो आधी होगी वो एग्जैक्टली सेम ही होगी, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। इसलिए पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो है आप अपने, ये कहता है अमीना से कि आपको वहाँ पर एक मिरर रख दीजिए। अमीना को कहता है कि एक मिरर रखिए और ये जो है पिक्चर आपको कंप्लीट दिखाई देगी। अब ये नाउ कैन आई हैव माय मनी, अब फिर पेंटर कहता है, क्या अब मैं अपने पैसे ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए अब इस तस्वीर को, यहाँ पर पेंटर जो है इसको दिखाता है, यहाँ पर ये फोटो जो है ये अमीना की हाफ वाली फोटो है, यहाँ पर ये देखिए कि मिरर दिखा रखा है और मिरर को इस तरह से रखने से ये देखिए पूरी अमीना की फोटो जो है वो बन गई है। अमीना गेव हिम ए 100 रुपी नोट, अमीना ने उसे 100 रुपए का नोट दिया। अब इस पर पेंटर कहता है, बट दिस इज ओनली हाफ द मनी, लेकिन ये तो हाफ है पैसे का, हाफ क्योंकि इसने 200 रुपीज़ बोले थे लेकिन इसने तो 100 रुपीज़ दिए हैं, है ना, इसलिए कहता है कि मुझे पैसों का आधा दिया। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, अब अमीना कहती है कि इसका जो दूसरा आधा है वो एग्जैक्टली सेम है, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नॉट टू गेट द फुल मनी। हा हा हा, अब ये कहती है अमीना भी उसको कहती है कि आप ऐसे ही करना, 100 रुपए का नोट रखना, उसके पास इस तरह से मिरर रख देना और आपको जो है वो पूरा इसी तरह का 100 का नोट जो है वो 200 नजर आने लग जाएंगे। और फिर ये इस बात पर हा 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 करके हंसती है। तो बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, जिस तरह से पेंटर ने जैसा अमीना के साथ किया था, यानी कि अमीना की पेंटर ने हाफ फोटो बनाई थी, है ना, इसी तरह से अमीना ने भी वैसा ही पेंटर के साथ कर दिया। उसने भी 200 रुपीज देने की बजाय उसको 100 रुपीज दे दिए और उसने कहा कि आप भी इस 100 के पास मिरर को रख देना और ये 200 नजर आएंगे। तो ये होता है बच्चों टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। नेक्स्ट इज द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रू ओनली वन हाफ ऑफ द थिंग्स। पेंटर ने कई जो है पिक्चर्स के ऐसे जो है पिक्चर्स बनाई जिसमें उसने केवल वस्तुओं का हाफ ही ड्रॉ किया था, यानी कि आधे हिस्से को ही बनाया था। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दीज पिक्चर्स एंड फाइंड आउट वट दीज थिंग्स आर। इन पिक्चर्स के
अदर जो हाफ है उसको हमें ड्रॉ करना है, यानी कि आधे हिस्सा जो बचा हुआ है उनको ड्रॉ करो, और ये क्या चीजें हैं वो भी पता करो कि ये कौन सी चीजें हैं। ट्राई डूइंग इट विद अ मिरर, और इसे एक मिरर के साथ भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं इसको करने की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और इस पेंटर ने इनको भी हाफ ड्रॉ किया है। अब हमें अगर पता नहीं चले कि ये कौन कौन सी चीजें हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बीच में यहाँ सेंटर में हमें एक मिरर रख देना है, और मिरर रख कर फिर देखना है कि ये क्या चीज है। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको बताओ, ये एक बटरफ्लाई है ना, तो ये है बटरफ्लाई, और इसी तरह से ये है एक स्टार, और ये है एक लैम्प यानी कि दिया, और ये बताओ ये क्या है, ये है एक कैट, और ये हाफ किस चीज के हाफ है बताओ, ये है फिश। तो अब हमें इन्हें पूरा करना है, तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई को जो है वो पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमने ड्रॉ कर दी है इस तरह से, बटरफ्लाई जो है ड्रॉ कर दी। इसी तरह से ये है स्टार, और इस तरह जो भी जितने भी ये चीजें दे रखी है आपको सभी जो है वो अपने आप ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है, कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक व्हाइल ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या पेंटर की जो ट्रिक है वो हम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि वो तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइल ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दी गई जो पिक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करने में, तो बताओ जो नीचे पिक्चर्स दे रखी है उनको ड्रॉ करने में हम क्या पेंटर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं बताओ। यहाँ पर देखो, इसको हाफ करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना, तो इसको तो नहीं कर सकते। अब ये है जैसे कि कप, इसको कर सकते हैं क्या बताओ, इसको अगर हम यहाँ से हाफ करेंगे तो ये अलग दिखेगा है ना, और इस साइड ये अलग, तो इसको भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐसे आधा करेंगे तब भी नहीं कर सकते, तो इसको भी जो है वो हाफ करके नहीं किया जा सकता। अभी इसको बताओ हाफ करके कर सकते हैं क्या हम, इसको हाफ कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे तो भी वो इक्वल नहीं होगा। तो हम फ्लैग को भी जो है वो पेंटर वाला की ट्रिक जो है वो उसमें रिपीट नहीं कर सकते। इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कांट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स, देन ही कांट प्ले द ट्रिक। Draw three more such things which don't have similar mirror halves. ये कहता है कि if you ask the painter to draw things, यदि painter आपसे कहे कुछ ऐसी चीजें draw करने के लिए जो आपको दो similar, एक जैसे जैसे दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके, इस तरह की जो ना बांटा जा सके, तब वो जो है उसकी जो ट्रिक है आईने वाली वो चल नहीं पाएगी है ना, वो नहीं चल सकती। तो इस तरह की तीन चीजें ड्रॉ करनी है यहाँ पर, जो मिरर हार्ट्स जो है वो नहीं चल पाएगा, यानी दो बराबर हिस्सों में किसी चीज को ना बांटा जा सके, ऐसी आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करनी है बच्चों, तीन चीजें जो है वो ड्रॉ करनी है। अब जैसे कि हम ड्रॉ करें, अब जैसे मैंने किया यहाँ पर ये टू, अब ये बताओ, अब इसको जो है वो हम हाफ्स कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, मिरर हाफ्स हो सकता है क्या ये, नहीं। अगर हम इसको इस तरह से मिरर आधा करेंगे तो भी इक्वल नहीं होगा, अगर यहां से आधा करेंगे तो भी इक्वल नहीं होगा है ना। तो इसी तरह की आपको दो और भी जो है वो पिक्चर्स यहाँ ड्रॉ करनी है बच्चों, और ऐसी चीजें जिन्हें दो बराबर हिस्सों में हम ना बांट सके। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट है मिरर हाल्स, यानी कि मिरर हाल्स होता है जो आईने से आधा हिस्सा जो है वो, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखें, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इंटू टू सिमिलर मिरर हाल्स, क्या जो डिवाइडेड लाइन जो डॉटेड लाइन दे रखी है जो हर पिक्चर को डिवाइड कर रही है, तो कहता है कि क्या
वो जो है सिमिलर मिरर हॉल्स में है वो, यानी कि ये कहता है कि जो आईना अगर हम रखने पर वो आधा हिस्सा क्या ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ देखो जैसे ये डॉटेड लाइन दे रखी है, अगर हम इसको आईना रखेंगे तो ये दोनों पार्ट इक्वल दिखेंगे क्या, उसने ये पूछ रखा है। तो हाँ ये तो इक्वल पार्ट दिखेगा। अब इसमें भी अगर हम आईना यहाँ पर रखें बीच में तो ये भी इक्वल पार्ट दिखेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर का कुछ है ये और नीचे कुछ है, तो ये वाला जो है वो मिरर हॉल्स नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम इसको रखेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है, सही आधा आधा हो जाएगा। और इसको करें तो ये भी मिरर हॉल्स हैं। अब इसमें बताओ बच्चों, अब आपको खुद बताना है, ये बताओ होगा क्या मिरर हॉल्स? नो। ये वाला बताओ? यस। ये वाला जो है वो मिरर हॉल्स होगा। और ये वाला? यस। ये वाला बताओ? नो। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर देखो ये कुछ है और यहाँ पर ये कुछ है, फिर है ना चेंज है। अब ये वाला बताओ? ये वाला भी नहीं होगा, ऊपर से थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है, नीचे से जो है कम है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हिस्से नजर आएंगे। ये यस, ये मिरर हॉल्स होगा, यानी कि इसको जो है वो आधा हिस्सा ऐसा ही दिखाई देगा अगर हम इसको मिरर यहाँ पर रखेंगे। इसी तरह से ये है, ये भी बिल्कुल सही है, यस, इसका आंसर भी यस होगा। अब ये बताओ, ये आपको बताना है बच्चों, बताओ यस और नो? यस, ये मिरर हॉल्स होगा। ये बताओ? यस, वेरी गुड। ये बताओ? नो। ये वाला बताओ, अगर हम मिरर को यहां रखें दोनों हिस्से बराबर नजर आएंगे क्या? यस। गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ कहता है कि कुछ और एग्जाम्पल्स दो जिसको हम हाफ करें तो जो है वो मिरर हॉल्स हो सके, तो ऐसा जो है हमें बताना है। अब जैसे कि ये वाला हमने लिया, ये देखो, अब इसको अगर हम करेंगे जैसे आप मिरर हॉल्स करना चाहें यहाँ से, तो दोनों हिस्से जो है वो सेम नजर आएंगे। इसी तरह से होता है सर्कल का, जैसे सर्कल है ये, ऐसे ये सर्कल है जैसे, अब इसको हम चाहे मिरर हॉल्स इस साइड से कर लें या फिर इस साइड से कर लें या किसी भी साइड से कर लो, जैसे इसको तो यहाँ से, तो ये मिरर हॉल्स जो है वो होगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो है वो आपको कुछ ड्रॉ करके देखना है और फिर बताना है कि वो मिरर हॉल्स होगा या नहीं होगा, तो ये आपको खुद ड्रॉ करना है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।